नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन और हाँ आप देख रहे हैं एंड्रॉइड भाई सब। अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल चल रही है और स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप देख ही रहे होंगे, बट ये सारे TWS मैंने ट्राई करे और ये कुछ नेकबैंड भी ट्राई करे हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2000 रुपए के अंडर में बेस्ट TWS और नेकबैंड आपके लिए कौन से हो सकते हैं। सेल पे मैंने देखा कि कुछ TWS भाई साहब 800-800 रुपए कम में मिल रहे हैं, तो अगर आपको एक बढ़िया TWS खरीदना है तो ये वाली वीडियो निसंदेह आपकी सहायता करने वाली है, परंतु थोड़ी सहायता आपको हमारी भी करनी पड़ेगी, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। 2000 रुपए के अंडर वाली वीडियो है तो 2000 लाइक्स भी आप कर सकते हैं और हाँ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो पहला प्रोडक्ट है ये Realme Buds Air 3S। इसकी बेसिक डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले प्रोस की बात करते हैं तो इसकी साउंड क्वालिटी भाई वन ऑफ द बेस्ट है जो भी मैं यहाँ पे TWS आपको बताने वाला हूँ उनमें। अच्छा बेस है, अच्छा ट्रेबल है और वोकल्स भी काफी बैलेंस्ड है। सबसे अच्छी बात की ये Realme Link एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं और उससे भी अच्छी बात की भाई कस्टमाइजेशन के बहुत सारे विकल्प मिलते हैं वहाँ पे। केस के साथ लगभग 30 घंटे 28 घंटे का प्ले टाइम आपको मिल सकता है और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। कॉल क्वालिटी भी बढ़िया है और इसका जो बेस्ट फीचर मुझे लगता है वो है डुअल डिवाइस पेयरिंग। जी हाँ, दो डिवाइसेस को आप इसके साथ पेयर करके रख सकते हैं, बट कुछ कॉन्स भी हैं। इसका जो ये टॉप है ना, हल्का ये ट्रांसलूशन टाइप का है तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रैचेस काफी जल्दी आ गए हैं इसमें। और दूसरा कॉन थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, जो ये डिबिया का स्टाइल है ना, मुझे इस स्टाइल की डिब्बी ज्यादा अच्छी लगती है। अभी लॉन्च तो हुआ था 2500 का, लेकिन अभी अमेजोन पे डिस्काउंट में 1800 का आपको मिल सकता है, तो अंडर 2000 की वन ऑफ द बेस्ट विकल्प हो सकता है आपके लिए। वैसे Realme Buds Q2S भी सेम प्राइस में उपलब्ध है, बट मैं उसके ऊपर इसको रखूंगा। बाकी एक बात और बताना चाहूंगा भाई, देखिए ऑफर चल रहे हैं, सेल्स चल रही है, तो प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती है कई बार प्रोडक्ट्स में, तो अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब की प्राइसिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जब आप खरीदने जाएंगे तो प्राइसिंग कई बार कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। वैसे आपने कौन सा TWS या नेक बैंड किस प्राइस में खरीदा वो आप टिप्पणी के माध्यम से हमको बता सकते हैं, हमको भी आइडिया लग जाएगा भाई क्या खरीद रहे हैं आप लोग। और ये है दूसरा प्रोडक्ट, ओप्पो एंको बड्स 2। ये ओप्पो एंको बड्स जो आए थे ना, 1 भी कह सकते हैं उसे, उसके ऊपर एक अच्छा अपग्रेड लगा मुझे। इसके भी बेसिक फीचर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रोस की बात करते हैं तो जिस प्राइस पे अभी ये मिल रहा है भाई, इसकी भी साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है। प्राइस के हिसाब से काफी टाइट सा बेस है और ट्रेबल फ्रीक्वेंसीज इजीली आप सुन सकते हैं, और ओप्पो हर बजट में अपने साउंड सिग्नेचर के लिए भाई जाना भी जाता है। बाकी जितने भी TWS में आपको दिखाने वाला हूं उन सब में जो डिजाइन और बिल्ड ना, वो इसका मुझे सबसे अच्छा लगता है। अब डिजाइन एंड बिल्ड भाई देखो पर्सनल प्रेफरेंस होती है, बट हमको यही अच्छा लगता है। हेमिलिटी एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है और इसमें ओप्पो इनको बड्स पुराने वाले थे ना, उनकी अपेक्षा ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, तो ऐसे साउंड को भी आप ट्वीक कर सकते हैं एप्लीकेशन से। कॉन्स की बात करते हैं तो ऐसे मेजर कोई कॉन नहीं है जिस प्राइस में अभी ये मिल रहा है, बट आउटडोर्स में कॉल क्वालिटी थोड़ा सा एवरेज लगी, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा ज्यादा ये कैप्चर करता है। अच्छा, Realme का ही ना एक और प्रोडक्ट है, Realme Buds Air 3 Neo। अभी Echo Buds 2 और Air 3 Neo दोनों का ना जो प्राइस है अभी का वो सेम है, 1599 रुपए के आपको मिल सकते हैं। इसका डिजाइन थोड़ा सा ऐसे है, वैसे डिजाइन इसका थोड़ा सा मुझे एवरेज लगता है, बट ओवरऑल ठीक है। ये 2000 के लॉन्च किए गए थे, बट अभी 400 रुपए कम में आपको मिल सकते हैं। बेसिक डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रोस की बात करते हैं तो अगर आपको ये वाला डिजाइन ज्यादा पसंद है तो आप इसको Buds Air 3S के ऊपर ले सकते हैं। हालांकि Air 3S में प्राइस के हिसाब से फीचर्स ज्यादा मिलते हैं इसकी अपेक्षा, इसमें भी Realme Link का सपोर्ट मिलता है, बट इसमें फीचर्स कम है उसकी तुलना में। म्यूजिक क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है, थोड़ा सा आपको ट्वीक करना पड़ेगा Realme Link एप्लीकेशन के अंदर, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेस बूस्ट प्लस वाले विकल्प पे रख के सुनिए, आपको साउंड क्वालिटी से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। बाकी बैटरी बैकअप इसका भी अच्छा है, बट ज्यादा फास्ट चार्जिंग Buds Air 3S सपोर्ट करते हैं। बाकी इस प्राइस में कॉन्स ऐसे बहुत ज्यादा नहीं लगे इसमें, कॉल क्वालिटी इसकी भी डिसेंट ही है। इसकी आउटडोर कॉल क्वालिटी मुझे ठीक लगी, जब इनडोर में ऐसे रूम पे रह के बात करते हैं ना तो हल्का सा रोबोटिक इफेक्ट आता है वॉइस में। इसको बिल्लू यूज करती हैं तो उनकी आवाज कई बार मुझे ऐसे सुनाई देती है। अब वैसे तो 1500 रुपए के अंडर ये ओप्पो एंको बड्स जो पहले वाले थे ना, ये भी अच्छा विकल्प हो सकते हैं यदि बजट एकदम से टाइट है, बट 1500 रुपए का ये वाला लेने से अच्छा मैं रेकमेंड करूंगा ओप्पो एंको बड्स 2 ले सकते हैं या फिर Realme Buds Air 3 Neo ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको बड्स स्टाइल पसंद हो ना तब आप इसकी साइड जा सकते हैं। अच्छा, एक बात कॉमन है इन सभी TWS में, सब में गेमिंग मोड या लो लेटेंसी मोड मिलता है। टेक्निकली सबसे कम लेटेंसी मिलती है 69 मिलीसेकंड्स की Realme Buds Air 3S में, और बाकी में वही 88 या 94 मिलीसेकंड्स की। कैजुअल गेमिंग करने में हमें कोई समस्या नहीं लगी किसी भी TWS में, और ऑडियो वीडियो डीसिंक ऐसी कोई समस्या नहीं लगी। वैसे अंडर 2K ही ये Redmi Buds 3 Lite भी है, बट इसमें कौन क्या है कि बैटरी लाइफ थोड़ा सा कम है और कोई भी डेडिकेटेड एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं मिलता। ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी इसकी भी ठीक है, बट ये वाला मेरी प्रेफर्ड लिस्ट में नहीं। हाँ, बहुत सस्ता
सस्ता मिल जाए आपको 1200-1300 के अंदर, तो एक बार सोच सकते हैं। अब ये कुछ TWS की बात कर ली, अब कुछ हम नेक बैंड की बात करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के यूज केस में नेक बैंड अभी भी ज्यादा फिट बैठता है। OnePlus Bullets Wireless Z2 ये थोड़ा पुराने हो गए, बट अभी देख रहा था ना 1599 रुपए का अवेलेबल है ये, और इस प्राइस पे कोई कंप्लेंट नहीं है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और यदि आपको 2000 रुपए के अंडर ही एक ANC से लेस नेक बैंड चाहिए तो आप Realme Buds Wireless 2 भी देख सकते हैं। इसका जो बड्स का डिजाइन है ना वो मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बट ANC फीचर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, म्यूजिक क्वालिटी ओवरऑल डिसेंट कहूंगा। इसका मैं आपको यूज केस बताता हूँ। मैं ऑफिस जाता था पहले ना, तो बाइक पे जाता था, बाइक से आता था ना, तो इसको मैं अपने कान में लगा लेता था और ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर देता था, तो बाहर का नॉइज मुझे अच्छे सुनाई भी दे जाता था और कोई कॉल आती थी ना पिक करके बात भी कर सकता था। हाँ, वैसे बाइक चलाते वक्त ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बट होता ना कई बार अर्जेंट कॉल होती है तो लगता है ठीक है भाई बात कर लेते हैं। बाकी एक प्रोडक्ट और भी है काफी कमाल का, अगेन ओप्पो की तरफ से आता है, ओप्पो एंको M32। ये नेकबैंड भी ओवरऑल काफी सही है और जिस प्राइस पे अभी मिल रहे हैं डेफिनेटली ये रेकमेंडेड लिस्ट में जाएंगे। वीडियो शूट करते टाइम इसका प्राइस 1299 दिखा रहा है और इसमें भी डुअल डिवाइस स्विचिंग का फीचर मिलता है। ये 1799 का लॉन्च हुआ था बट अभी 1300 को मिल जाएगा, यानी 1800 से 1300, 500 रुपए का डिफरेंस है भाई। इसकी म्यूजिक क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन बिल्ड सब ओवरऑल ठीक लगा। और बात यहाँ पे जितने प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि इन सब में से आपको बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट लगा, या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट इनमें से यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या आपका अनुभव रहा है वो आप बता सकते हैं। बाकी के व्यूवर्स भी आपका एक्सपीरियंस जान सकेंगे कमेंट बॉक्स को चेक करके, आपसे क्वेरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं, थोड़ा बाइंग डिसीजन उनका और अच्छा कर सकते हैं। देखिए मेरे साइड से जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज करे थे, टेस्ट करे थे, उसके अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट बताई है। कुछ और प्रोडक्ट भी होंगे अच्छे जिन्हें कि मैंने यूज नहीं करा होगा, टेस्ट नहीं करा होगा, तो उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, बट जो भी मैंने टेस्ट करे थे, यूज करे थे, उनके बारे में क्या एक्सपीरियंस है मेरा वो मैंने आपके साथ साझा किया इस वाली वीडियो के माध्यम से। और आशा करता हूं कि आपकी थोड़ी सहायता हुई होगी, और यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहां पे जितने प्रोडक्ट्स की मैंने बात करी उन सभी का आप रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस को मैंने कवर भी किया है डेडिकेटेड वीडियोस के अंदर। बाकी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।